हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा जीजी टिप्स ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ केला का पौधा जो मैं लगाई हुई हूँ बृहस्पतिवार को पूजा करने के लिए। और थोड़ा सा मौसम अच्छा होने का इंतज़ार है तो मैं क्या करूँगी, छत पे ही भगवान जी का पूजा, मैं बृहस्पति भगवान का पूजा, मैं विष्णु भगवान का पूजा छत पे ही करूँगी। सो मैं उसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आलू जो मैं लगाई हुई थी जिसका साग भी मैं तोड़ी थी, वीडियो बनाई थी, आज बारी है आलू निकालने का। सो देखते हैं, हम खुद से अपना आलू लगाए हुए थे और कितना निकलता है। सो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। और ये देख सकते हैं, आलू ज़्यादा नहीं निकला था, 6-7 आलू निकला था, वो भी बहुत अनमोल था क्योंकि मैं खुद से लगाई हुई थी। और ये मैं बेटी को बोली हूँ कि थोड़ा सा तुम वीडियो लो, तो देखिए किस तरह से ये वीडियो ली है। और देखिए छोटा छोटा सा आलू निकल रहा है। इस आलू को है जो हाथ सेका जाता है, आग जो होता है उसमें अगर पका के खाइए बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो वैसे करके खाई हूँ 2-4। और इसमें से मिट्टी भी थोड़ा सा निकालना है क्योंकि मिट्टी इसमें ज़्यादा हो गया था। और मैं हरा मिर्चा भी लगाई हुई हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे एलोवेरा लगाई हुई हूँ कि एलोवेरा नीचे भी है और सबसे ऊपर भी रोप दी हूँ ताकि ये ऊपर भी ग्रो हो जाए। और मिर्चा का बतिया दे रहा है, फूल फूल दे रहा है, पर वो फर नहीं रहा क्योंकि भी बहुत ठंडा है इस वजह से। और इधर मैं मिट्टी बहुत सारा देख सकते हैं, आलू इधर है दिख रहा है और इधर से मैं मिट्टी सारा, आज आज मन किया था कि थोड़ा सा गार्डनिंग किया जाए इधर उधर। तो मैं छत पे सब काम ख़त्म करके छत पे आ गई और धूप भी अच्छा लग रहा है और मैं कर ली। और इधर मैं ये देख सकते हैं, ये 26 जनवरी का जो झंडा था सो 2 दिन लेट हो गया, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई निकालने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं, मुझे याद आया कि तो उसी दिन ही निकल है। सो देख सकते हैं वो वीडियो ली है, किस तरह से वीडियो ले रही है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रही है। सो आप लोग मैनेज कीजिएगा, छोटी बच्ची ले रही है, उसको मैं धीरे धीरे सिखा रही हूँ कि किस तरह से वीडियो लिया जाता है ताकि वो भी सीख सके। क्योंकि मैं खुद से कैमरा लेके और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सो छोटी छोटी है, धीरे धीरे सिखा रही हूँ उसको, वो इधर उधर का वीडियो ले रही है। और ये देख सकते हैं, मैं इस पे एक दो रील भी बनाई थी। और इधर मैं और भी मुझे, और इधर का मिट्टी मैं निकाल के रख दी हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि इस मिट्टी का मैं क्या यूज की हूँ क्योंकि इसका भी मुझे यूज करना है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंक नहीं देती हूँ, मुझे मुझे मेरे दिमाग में चलता रहता है कि दूसरा मुझे क्या करना है, तो उसके हिसाब से। और मैं 2 डब्बा, बड़ा बड़ा डब्बा रखी हुई हूँ फिनाइल का, उसमें मैं कट करके वो मिट्टी को डाल के कुछ और रोपूंगी। सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। और ये देख सकते हैं, सबका मैं कोड़ाई कर रही हूँ मिट्टी का ताकि ये अच्छे से। और ये सब में बतिया दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, पता नहीं कब मैं मिर्ची इसमें का खा पाऊँगी। अपने हाथ से रोप के उसका फल कुछ ये करने में उसका एक्साइटेड ही कुछ अलग सा होता। सो ही मेरे साथ हैं। और ये है लहसुन जो कि मैं बहुत बार इसका पत्ता तोड़ भी चुकी हूँ। और ये लड़की है कि वीडियो ढंग से ले नहीं पा रही, देख सकते हैं इधर उधर पूरा किए जा रहे हैं। और ठंडा भी बहुत है, हल्का हल्का सा धूप निकला हुआ है और ठंडा भी काफ़ी है। सो मैं शॉल वगैरह सब लेके ओढ़ी हुई हूँ। और आप लोग का बस सपोर्ट और प्यार चाहिए और कुछ नहीं। और इधर देख सकते हैं, सो ये मैं कपड़ा डालने भी आई हुई थी। सो ये कपड़ा सब मेरा सूख रहा है और मैं पानी भी पटा देती हूँ इसमें। और मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, मेरा पुदीना का पत्ती भी हो गया है। एक दिन मैं उसको सामने से आपको दिखाऊंगी, जो कि मैं 2 बार उसमें बिरयानी में डाल भी चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा सा। उसका सेंट ही बहुत अच्छा होता है। और देख सकते हैं आज थोड़ा सा धूप खिला हुआ है, अभी 2-3 दिन से धूप अच्छा खिल रहा है। सो अच्छा लग रहा है।
और इधर देख सकते हैं मेरा कपड़ा वगैरह सब सूख रहा है, और मैं छोटे छोटे ये मैं जल्दी जल्दी पानी ला के उसमें पटा दे रही हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी से ग्रो हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप खुद से रोपो और उसका कुछ देख के बहुत सुंदर लगता है वो जब बड़ा होता है तो। और नीचे जो मिट्टी रखा हुआ है मैं उसका भी यूज कर लूँगी, और गांव से बहुत सारा मिट्टी मैं मंगवाई भी हूँ ताकि उसमें भी मैं रोप सकूँ। पता नहीं मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं, पर पता नहीं क्यों अब इंटरेस्ट सा हो गया है, सो लगता है कि कुछ अब रोपा जाए या कुछ किया जाए। और इधर मैं अब नीचे आ गई, मैं चलती हूँ नीचे, और इधर देख सकते हैं नीचे आके और मेरी मेड का मेड के यहाँ हो गया है, उनके ससुर देख कर गए हैं तो वो दो दिन नहीं आएंगी, इस वजह से मैं बहुत सारा बर्तन जमा हो गया था छुट्टी के मैं लगे हैं तो बर्तन भी धो लूँ। और छत पे से आई थोड़ा देर इधर उधर की देखती, मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बर्तन आदत नहीं है बर्तन धोने का, बहुत देर के उसमें धोती हूँ और मेड चली जाती है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि बर्तन और ज़्यादा हेडेक सा हो जाता है कि बर्तन को धो के जल्दी से देखने का। मुझे टाइम नहीं लगता है धोने में, पर मुझे अभी लग गया है ठंडा, और इस वजह से कंधा में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करूँ नहीं तो करना ही है, बिना नहाने से रहा जाता नहीं है, और एक दिन भी बिना नहाए रहा नहीं जाता है। तो इतना बैक में इतना दर्द हो गया है मैं बता नहीं सकती हूँ, तो उसका भी मैं अभी दवा ले रही हूँ, और ठंडा लगा हुआ है तो इसका कोई दवा है नहीं, सो इसके तेल मालिश वगैरह है तो मैं करवाऊँगी, आती है लेडी तेल मालिश करती हूँ मेरे घर में तो उनसे मैं करवाऊँगी ताकि ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत असहनीय सा दर्द हो रहा है। और इधर मैं किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ, बर्तन पूरा फिनिश हो गया और रैक वगैरह सब पहुँच के सब ये कर देंगे, देख सकते हैं फटाफट से इसका एक यही ये है कि आप एक बार में कपड़ा घुमाओ और पूरा तरह से किसको क्लीन कर दो, ये चीज़ ये टाइल ग्रेनाइट का सबसे बड़ा यही है कि फटाफट से आपका पूरा क्लीन हो जाता है। आप लोग बने रहे एंड तक, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके ही जाना, इस तरह का अगर घरेलू वीडियो आप लोग को देखना हो तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। फटाफट से मैं चले गए नॉन वेज का भी, इधर मैं आज अंडा करी बनाई हुई थी सो इधर भी बर्तन ज़्यादा हो गया था उधर भी, और इसको थोड़ा मैं पोंछ लेती हूँ पानी पानी सा हो गया, और इधर देखिए सब मेरा चिकना हो चुका है, और इधर मैं नॉनवेज बनाई थी जो कि चूल्हा गंदा हो गया था, और मैं चादर बेडशीट वगैरह भी चेंज आज की थी, काम कुछ ज़्यादा ही हो गया था तो बेडशीट को मैं मशीन में डाल दे रही हूँ, और इधर मैं ये भी चूल्हा पोंछ लेती हूँ क्योंकि मेड पोछती हैं लेकिन आज आई नहीं है तो सोची कि मैं उसको गंदा पड़े रहने अच्छा नहीं है, मैं उसको सबसे अच्छे से करके साफ करके ढक देती हूँ ताकि कोई आ जाए तो सीधा चूल्हे पर नजर न पड़े, उसको कपड़ा से ढक देती हूँ। और मेरी बेटी के लिए आया है कि नया हेयर बैंड, वहीं देखे वो पूरा खुश है, मम्मा देखो मेरा हेयर बैंड है। और इधर मैं चूल्हा वगैरह साफ करके अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, ये काम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और मैं इसी तरह से रेगुलर वे में वीडियो लाती रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, नहीं अच्छा लगने का कोई कारण तो मुझे पता नहीं है, पर अगर नहीं भी लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना तो मैं उसको सुधार करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।